हरियाणा से आने वाले रास्ते बंद, कृषि कानून को लेकर अकाली दल का हल्ला बोल, साथ में भीषण जाम। कृषि कानून को पास हुए एक साल पूरा हो रहा है, इसी बीच अकाली दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी वजह से हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। राजधानी की सीमाएं सील होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है और इसके साथ अलग अलग इलाकों में भीषण जाम भी लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़ के झाड़ोदा बॉर्डर पर बैरिकेटिंग लगा दी है और इसके अलावा निजामपुर बॉर्डर, सिद्धिपुर गांव समेत अन्य सभी बॉर्डर को बंद कर दिया है। अकाली दल के लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन पंजाब से शुरू किया था और उनकी कोशिश हरियाणा से होते हुए दिल्ली में आने की थी और कई जगहों पर तो अकाली दल के समर्थकों ने बैरिकेटिंग को हटाने की भी कोशिश की थी। कृषि कानून के पास होने का एक साल पूरा होने पर अकाली दल ने काला दिवस मनाने का ऐलान किया था। अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल और अन्य सभी नेता इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। यहाँ के गुरुद्वारे रकाबगंज में अकाली दल की बैठक हो रही है जिसमें प्रदर्शन को लेकर रणनीति बन रही है। गुरुद्वारे से बाहर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल 3 कृषि कानून पास किए गए थे, इसी के बाद से इनका विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में किसान संगठनों द्वारा पहले ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डेरा जमाया हुआ है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में वहां भी ये मसला लगातार हावी हो रहा है।